दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है, और आज का वीडियो खास इसलिए है क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में अगर तेल से संबंधित, खाने वाले तेल से संबंधित कोई भी सवाल है तो इस बात की शर्त मैं आपसे लगाता हूँ कि वो सवाल फिर आपके मन में नहीं रहेगा। दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि खाने वाला तेल अगर ठीक नहीं हो तो हमें कई तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हमें गठिया, कोलेस्ट्रॉल, बीपी की प्रॉब्लम या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अक्सर हमें घेर लेती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक, स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि असल में तेल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? आयुर्वेद में उल्लेखित एक मंत्र है जिसमें कहा गया है तिलोद्भवम तैलम, अर्थात तिल से प्राप्त होने वाले तरल को ही तेल कहा जाता है। तो इस बात से ही आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ तेल माना गया है वो तिल का तेल माना गया है। न सिर्फ आप इसका इस्तेमाल खाने में कर सकते हैं, और तो और आप इसे एक अभ्यंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभ्यंग का आम बोलचाल भाषा में हम कह सकते हैं कि यदि आपको अपने शरीर पर कहीं लगाना है, मालिश कहीं करनी है, उसके लिए भी तिल का तेल बेहतरीन है। दोस्तों तिल का तेल इतना गुणकारी इसलिए है कि एक तो इसका जो स्वभाव होता है वो मध्यम उष्ण होता है, साथ ही साथ ये वात और कफ का शमन करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, और आयुर्वेद में जो उल्लेखित है उनके हिसाब से ये तेल व्यावयी होता है और सूक्ष्म होता है। ये दोनों टर्म थोड़ी टेक्निकल हैं तो इन्हें आम भाषा में मैं आपको समझाऊँ। सूक्ष्म से मतलब है कि ये एक तो इसको डाइजेशन में टाइम कम लगता है, और व्यावयी होने का मतलब है कि ये बहुत आसानी से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर को स्निग्धता प्रदान करता है। दोस्तों स्निग्धता का मतलब होता है चिकनाई, और यदि ये स्निग्धता हमारे शरीर में कम होती है, मतलब हमारे शरीर में चिकनाई की कमी होती है, तो हमें कई तरीके की बीमारियां देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि जो हमारे हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, जब लुब्रिकेंट, जब चिकनाई वहाँ पर कम हो जाती है तो या तो उनमें दर्द होने लगता है, या फिर वो सूखी हड्डियाँ आपस में जब घिसती हैं तो उसमें सूजन आ जाती है, चटचट की आवाज़ें आती हैं। साथ ही साथ ये रूखापन हमें अनेक तरीके के त्वचा संबंधी विकारों से भी घेर लेता है, तो इसमें भी तिल का तेल बहुत ज्यादा कारगर है। आयुर्वेद में तिल के तेल को मेडिकेटेड ऑयल्स का बेस बनाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी सारी वनस्पतियां या जड़ी बूटियां हैं, हमें हर जड़ी बूटी या वनस्पति से तेल प्राप्त नहीं हो सकता, तो उस तेल को प्राप्त करने के लिए हम तिल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए गेंदा है, गेंदे का जो फूल होता है या पौधा होता है उससे हम तेल प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए अगर हमें किसी बीमारी में गेंदे का तेल चाहिए तो हम गेंदे की जो फूल होता है उसका ग्रीन भाग निकाल के उनके अंदर की पत्तियों को तिल के तेल में उबालने के बाद ठंडा कर लेते हैं, तो इससे जो भी गेंदे के फूल में जो गुड़ हैं, जिसका अर्घ हमें चाहिए, वो तिल के तेल में समाहित हो जाता है, और इस तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इतने सारे गुणों से भरपूर होने के बावजूद ये बात आप भी समझते होंगे, जानते होंगे कि तिल का तेल कम से कम रोज तो प्रयोग नहीं किया जा सकता, हम उसे 12 महीने नहीं खा सकते। दोस्तों आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों से संबंधित एक नियम की तरह एक चीज बोली गई है जिसे कहते हैं देश सातमय। अब देश सातमय का मतलब ये होता है, देश मतलब भारत देश ही नहीं, देश मतलब वो एरिया जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आप उत्तर भारत से हैं, मध्य भारत से हैं, दक्षिण भारत से हैं, या पूर्वोत्तर के किसी राज्य से हैं, और सातमय का मतलब होता है उस स्थान से जो अनुकूल पदार्थ हैं वो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम उत्तर भारत में रहते हैं तो यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो आपने ये भी बात नोटिस की होगी कि यहाँ पे सरसों की पैदावार ज़्यादा है, यहाँ सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यही बात करें अगर दक्षिण भारत की तो वो बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश है, वहाँ पर नारियल की पैदावार ज़्यादा है जो कि एक ठंडा तेल होता है। और अगर हम बात करें मध्य भारत की तो इसमें मूँगफली और सूरजमुखी, ये दो तेल हैं जो प्रमुखता इस्तेमाल में आते हैं। दोस्तों जैसा अभी हमने रिफाइंड का जिक्र करा, पिछले 20 या 25 सालों में रिफाइंड का प्रयोग आम रसोई में बहुत ज़्यादा होने लगा है। इससे पहले रिफाइंड की कहीं भी मौजूदगी ही नहीं थी। आप लोग जानते हैं कि अगर मैं एक सिंपल लाइन में कहना चाहूँ तो रिफाइंड शायद वो सबसे आम जहर है जो हम न सिर्फ खुद खाते हैं बल्कि अपने परिवार को भी परोसते हैं। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, पूरी स्टोरी है कि वो किस तरीके से हमारे को नुकसान पहुँचाता है, लेकिन एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ कि रिफाइंड को प्रोसेस करने के लिए अगर आप कोई सिंपल रिफाइंड यूज करते हैं तो उसमें तकरीबन 6 से 7 केमिकल्स का यूज होता है, और वो रिफाइंड जिन्हें डबल रिफाइंड के नाम से बेचा जाता है उन रिफाइंड में शायद 12 से लेकर 15 केमिकल तक यूज होते हैं। इसके लिए हम एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाएंगे जो जल्दी आने वाले टाइम में आपको हमारे चैनल पर दिखेगी। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो किचन में काम करने वाली हर महिला को समझनी चाहिए।
पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए हम कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें अपनी किचन में लाने लगे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि क्या उनका स्थान वाकई हमारे किचन में होना चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए आज मैं बात करता हूँ आपसे ऑलिव ऑयल की या जैतून के तेल की। पाश्चात्य सभ्यता में उसका उपयोग बहुतायत में होता है, लेकिन उनकी देखा देखी हम लोग भी उस तेल को खाने लगे हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि तेल का भी एक स्मोक पॉइंट होता है और हर तेल का वो स्मोक पॉइंट अलग अलग होता है। जितने भी तेल भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका स्मोक पॉइंट काफ़ी हाई होता है। भारत की जो परंपरागत किचन की जो व्यवस्था है, जो खाना बनाने की विधि है, उसमें छौंक लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है, जिसके लिए हम तेल को काफ़ी ज़्यादा गर्म करते हैं और फिर उसमें अन्य मसाले डाल के उसे पका लेते हैं। तो जो भी तेल हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सरसों का हो, नारियल का हो, तिल का हो, इनका स्मोक पॉइंट जहाँ पर जाकर वो तेल गर्म होने लगता है, जलने लगता है, वो काफ़ी ऊंचा होता है। तो इसलिए जब हम मसाले डालते हैं तो हमारे मसाले अच्छे से पक जाते हैं और हमारा खाना तैयार हो जाता है। लेकिन जो लोग आज पश्चिमी सभ्यता को देखने के बाद अपनी किचन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने लगे हैं, वो लोग शायद ये बात नहीं जानते कि ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट काफ़ी नीचा होता है। जब हम उसका इस्तेमाल अपनी किचन में करते हैं तो जब हम उसमें मसाले डालने लगते हैं तो वो तेल पहले ही जल चुका होता है, जिस वजह से ना तो हमें वो स्वाद दे पाता है, ना ही वो बेनिफिट दे पाता है जिसके लिए हम खाना बना रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के लोग इसका प्रयोग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर रॉ फ्रूट्स खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, वो कच्चा सलाद बनाते हैं, उसमें ऊपर से ऑलिव ऑयल को डालते हैं क्योंकि उसे पकाना नहीं पड़ता। हम लोग उनकी देखा देखी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम केवल नुकसान उठा रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें देश साथियों का पालन करना है, हमें उन्हीं तेलों का उपयोग करना है जो हमारे लिए बेस्ट है। किसी की देखा देखी हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिसका हमें फ़ायदा मिलने के बजाय और नुकसान होने लगे। चलते चलते एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि तेल हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये बात सच तो है, लेकिन सिर्फ आधी। ऐसा नहीं है कि तेल से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके लिए आपको एक सिंपल फार्मूला फॉलो करना है और वो ये करना है कि जब भी आप खाना पकाएं तो उस खाना पकाने में कम से कम तेल का प्रयोग करें, और जब आपका खाना बन जाए तो उसके बाद आप उसमें आवश्यकता अनुसार मात्रा में देसी घी डाल के सेवन कर सकते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद WHO ने इस बात को माना कि गाय से मिलने वाला देसी घी किसी भी तरीके से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो आप कम तेल में खाना पकाएं और देसी घी के साथ उसे खाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी कामना है। दोस्तों, आयुर्वेद पर इस तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो लाना हमारा प्रयास है। यदि आपके जीवन में आयुर्वेद या जड़ी बूटियों का किसी तरीके से भी कोई महत्व है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। धन्यवाद।